जहाँ एक तरफ पूरे दरभंगा शहर में नवरात्रा की धूम है, चारों तरफ चहल पहल है, लोग एक पंडाल से लेकर दूसरे पंडाल तक जाते हैं, माँ भगवती से आराधना विनती अनुनय विनय कर रहे हैं, लोगों में चारों तरफ खुशी है, वहीं दूसरी तरफ जो उचक्का है वो अपने कारनामों से बाज नहीं आते हैं एवं चिंते का घटना का अंजाम दे देते हैं। इसी क्रम में सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है कि विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के ओवरब्रिज पर बीती रात 4-5 युवक अपने घर की तरफ जा रहे थे, कारण ये पूजा पंडाल में घूम फिर कर वो अपने घर तरफ जा रहे थे, वो लोग सीतामढ़ी के रहने वाले थे जैसा कि जानकारी मिली है। इसी क्रम में चार पांच उचक्के ने जो है उन्हें डायगर की नोक पर चार मोबाइल, उसमें एक लड़की भी शामिल थी, इन लोगों ने मिलकर उस पांचों युवक से 5 मोबाइल छीन लिया। इसी क्रम में उस युवक ने हल्ला किया, उसी क्रम में कुछ लोग वहां पहुंच गए और 2 युवक जो है 2 मोबाइल लेके भाग गया एवं 2 लोगों को पकड़ा गया जिससे पास से 2 मोबाइल बरामद हुआ। वहीं एक लड़की भी इस कांड में शामिल थी, उसे भी गिरफ्तार किया गया। आपको बताते चले कि बीती रात का ये घटना है, ओवर ब्रिज से ये लोग जा रहे थे अपने घर, कारण 3:30 सुबह में इन लोगों को ट्रेन था, वही ट्रेन पकड़ने के लिए ये लोग दरभंगा रेलवे स्टेशन जा रहे थे। इसी क्रम में इनके साथ दरभंगा का जो कटहलबाड़ी ओवर ब्रिज है उसके ऊपर इनके साथ घटना घट गई। मौके पर इन लोगों ने हल्ला किया तो कुछ लोग पहुंचे, उसमें से दो तो भाग गया लेकिन 2 लड़का और 1 लड़की को वहां के स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस संबंध में पकड़े गए दोनों आरोपी ने क्या कहा, वही इस संबंध में जब हमने दरभंगा के सदर SDPO अमित कुमार से जानना चाहा तो उन्होंने क्या कहा यह सुनिए। आपको बताते चले कि पूरा शहर में गश्त है, चारों तरफ पुलिस है लेकिन तो भी जो है बदमाश अपने कारनामों से बाज नहीं आते हैं। इसी क्रम में इन लोगों ने इस घटना का दिया अंजाम। 2 व्यक्ति, आपको बताते चलें कि दोनों युवक को जो पकड़ा गया उससे पास से छीनते ही का 2 मोबाइल और 1 डायगर भी बरामद हुआ है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। सुनिए सदर SDPO अमित कुमार, वहीं पकड़े गए आरोपी ने क्या कहा। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। कहां से पकड़ाए हो, कहां से पकड़ाए हो, कौन घूमती? हाँ, क्या नाम बोले तो अपना? पिता का नाम? पिता का नाम नहीं पता, कहाँ घर है? दरभंगा जिला के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत कटहलबाड़ी ओवरब्रिज के बीती रात लगभग 2:30 रात में कई लोग थे जिनके द्वारा मोबाइल फोन छीन लिया गया। 5-7 लोगों की बात कही जा रही है जिसमें 3 लोग, 1 महिला, 2 पुरुष की गिरफ्तारी, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। क्या मामला है सर? पूजा का समय चल रहा है, कहीं ना कहीं पुलिस गश्ती पे सवाल उठ रहा है कि ऐसा घटना हुआ है। देखिए इस टाइगर के नोक पे जो है मोबाइल छीनते, मामले की जानकारी मुझे नहीं है लेकिन और कुछ मामला ऐसे हुए हैं, कुछ मामला रिकवरी भी हुई है, कुछ मामला पंडाल के अंदर ही छीने जाने या लिए जाने के कुछ मिनट के बाद रिकवरी हुई है। पुलिस की चौकसी बढ़ी हुई है, बालों की तैनात की पर्याप्त मात्रा में है, घटनाओं पर नजर बनी हुई है, पेट्रोलिंग और सीजन की है। हालांकि अभी तो पुलिस बहुत है, क्या रात्रि गश्ती नहीं हो पा रही है जिसके कारण अपराधी इस तरह का घटना अंजाम दे? गश्ती हो रही है, पुलिस का कॉन्सेंट्रेशन और फोकस मुख्यतः पंडालों पर है, जो आने जाने वाले रूट्स हैं उस पर है, ट्रैफिक पर है और ये काफी देर रात की घटना है। यहाँ की जगह बता रहे हो कितने लोग के नाम आ रहे हैं अभी तक? गिरफ्तारी 3 बताई जा रही है, 1 महिला, 2 पुरुष की गिरफ्तारी है, और भी लोग इसमें गिरफ्तार होंगे? और फिर जो है खंगाला जाए और गिरफ्तारी होगा। जो लोग का मोबाइल फोन छीना गया कहाँ के ये लोगों का बताया गया था? जानकारी मालूम ही नहीं है।